अपार संभावनाएं। जमीन पर तो आपने जंगल और भरपूर हरियाली को कई बार देखा होगा और कई बार इसको लेकर चिंता भी है कि जंगल गायब होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर के नीचे पानी की गहराइयों में जमीन से भी ज्यादा बड़े और घने जंगल मौजूद हैं। वैज्ञानिकों को पानी के अंदर भारत से भी कई गुना बड़ा जंगल मिला है। हाल ही में उसका नक्शा भी तैयार हुआ है। पानी के अंदर मौजूद ये जंगल ठीक उसी तरह है जैसे जमीन पर मिलता है। अभी देखिए समंदर के इस जंगल की क्या खासियत है और इससे कैसे मिलेगी इंसान को मदद। ये है हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान। भौगोलिक दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। अगर हम आपसे कहें कि हमारे देश से दुगुनी आकार की एक दुनिया समंदर की गहराइयों में बसी है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? शायद आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये बात 100% सही है। समंदर के अंदर दिखी है दूसरी दुनिया। इस दूसरी दुनिया में सिर्फ जंगल ही जंगल है। समंदर के अंदर मौजूद जंगल का यह हिस्सा भारत के क्षेत्रफल का दोगुना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री दुनिया हमारी सोच से बहुत ज्यादा अनोखी है। लोगों को अब तक लगता था कि समंदर के अंदर पानी या फिर कुछ खास जगहों पर चट्टाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समंदर के अंदर अब बड़े बड़े केल्प और वीट के जंगल भी मौजूद हैं। समंदर के अंदर पाए गए ये जंगल ठीक उसी तरह के हैं जैसे कि जमीन पर मिलते हैं, लेकिन हाँ, इनकी वनस्पति में अंतर जरूर है, जहाँ पर जलीय जीवों की कई प्रजातियाँ मौजूद हैं। समंदर के अंदर ये जंगल कहाँ मिले हैं अब इसका पता भी नोट कर लीजिए। विशेषज्ञों के मुताबिक ये समुद्री जंगल दक्षिण अफ्रीका के तटों के नीचे ग्रेट अफ्रीकन सी फॉरेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट साउदर्न रीफ में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोई बड़ी खोज नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का करीब 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। मौजूदा दौर में वैज्ञानिकों के पास हाईटेक उपकरण है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक समंदर का पूरा हिस्सा नहीं खंगाला जा सका है। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पानी के अंदर और भी ज्यादा बड़े बड़े और घने जंगल मिल सकते हैं। जांच करने पर पता चला कि इन जंगलों में वैसी ही समुद्री घास और बांस पाए गए जैसा कि पृथ्वी पर है। इस घास का काम पानी के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड समेत दूसरी गैस का संतुलन बनाए रखना है। वैसे तो जंगलों की मैपिंग सैटेलाइट से की जाती है, लेकिन अभी पानी के अंदर मैपिंग करने की ज्यादा तकनीक मौजूद नहीं है। ऐसे में काफी डेटा खंगालने के बाद समंदर के नीचे इस जंगल का मैप तैयार हो पाया है। अभी तक के रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 60-72 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री जंगल मौजूद है। ये जमीन पर स्थित सबसे बड़े जंगल अमेजन से भी बड़ा है। हालांकि क्लाइमेट चेंज का असर समंदर की गहराइयों में मौजूद इन जंगलों पर भी पड़ा है। ग्लोबल इकोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी जनरल की रिपोर्ट की माने तो धरती के बढ़ते तापमान की वजह से समुद्री जंगल लगातार तबाह हो रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कारण वो कार्बन नहीं सोख पा रहे। ऐसे में अगर क्लाइमेट चेंज पर ध्यान नहीं दिया जाता तो जंगलों के साथ समुद्री जीव भी खतरे में आ जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।